नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एन क्रिकेट सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रहे गड़बड़ झाले की। जी हाँ, पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के लिए रवाना तो हो गई है, लेकिन जिस तरीके से रवाना हुई है, जो ड्रामेबाजी हुई है और जिस तरीके की कंफ्यूजन पाकिस्तान क्रिकेट में हुई है, उसको देखकर बहुत ज्यादा अजीबोगरीब स्थिति लग रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के लिए रवाना हुई है। पाकिस्तान टीम को पहले वेस्टइंडीज के साथ इंग्लैंड की टीम सीरीज खेलेगी, उसके बाद पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज खेलेगी। लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि आपको बता दें कि पाकिस्तान के 10 क्रिकेटरों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। लेकिन बहुत भयंकर कंफ्यूजन है पीसीबी में और खिलाड़ियों में। पीसीबी खिलाड़ियों को टेस्ट करा रहा है तो खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। अगर खिलाड़ी बाहर किसी प्राइवेट लैब से टेस्ट कराते थे, उनके टेस्ट निगेटिव आते हैं। इसको लेकर शोएब अख्तर बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। शोएब अख्तर का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड की तरह बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। जिस तरीके से खिलाड़ी अलग जाकर टेस्ट करा रहे हैं, या तो खिलाड़ी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टेस्ट पर भरोसा नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल स्टाफ पर भरोसा नहीं है, या फिर खिलाड़ी चाहते हैं कि वो खुद टेस्ट करा के एक बार उस स्थिति को भाप लेना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि फाइनली पाकिस्तान की टीम रवाना हो गई है इंग्लैंड के लिए। मोहम्मद हफीज का टेस्ट पॉजिटिव आया था जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका टेस्ट कराया, लेकिन अब मोहम्मद हफीज का टेस्ट निगेटिव आया है जब उन्होंने बाहर से किसी प्राइवेट लैब से अपना टेस्ट कराया। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। फाइनली बहुत एक 29 सदस्यीय दल पाकिस्तान टीम का इंग्लैंड के लिए रवाना हो चुका है। पाकिस्तान टीम बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज तो नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि ये जो कोरोना केस वाला जो मामला फंसा था, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थोड़ी बहुत थूथू जरूर हुई है। क्योंकि जिस तरीके से 8-10 खिलाड़ी एक महत्वपूर्ण दौरे से पहले पॉजिटिव आते हैं, उसके बाद उनके दोबारा टेस्ट कराए जाते हैं, एक हफ्ते बाद दोबारा टेस्ट कराए जाते हैं, तो वही खिलाड़ी दोबारा निगेटिव आ जाते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। अभी जब पाकिस्तान के खिलाड़ी इंग्लैंड पहुंचेंगे तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कोरोना टेस्ट जरूर कराएगा, और कोरोना टेस्ट के साथ साथ 14 दिन तक आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाड़ी इंग्लैंड में क्वारंटाइन में रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे। आइसोलेशन में रहने के बाद ही उनको अगली सीरीज खेलने का मौका मिलेगा। आइसोलेशन में पहले उनके टेस्ट होंगे जाते ही, उसके बाद 15 दिन बाद उनके दोबारा टेस्ट होंगे। जो खिलाड़ी फिट आएंगे, जिन खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट निगेटिव आएगा, वही इस सीरीज में खेल पाएंगे। तो बहुत अजीब सी स्थिति चल रही है। उधर इंग्लैंड में जो वेस्टइंडीज टीम पहुंची है, उनके कोच भी दोबारा इंग्लैंड पहुंच गए। आपको बता दें, वो एक क्रिमिशन अटेंड करने के लिए गए थे और क्रिमिशन अटेंड करके वापस लौटे हैं, और एक हफ्ते के लिए आइसोलेशन में रहेंगे। तब तक मेरे ख्याल से जब टेस्ट सीरीज शुरू होगी, उसके बाद तक उनका आइसोलेशन पीरियड भी पूरा हो जाएगा। तो बहुत अजीब तरह के हालात चल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्रिकेट शुरू होने वाला है, क्रिकेट शुरू होने जा रहा है। इंग्लैंड से क्रिकेट की शुरुआत हो रही है, मक्का ऑफ क्रिकेट जिसको कहा जाता है, जहां से क्रिकेट ने जन्म लिया था, उस जगह से एक बार फिर क्रिकेट की शुरुआत हुई है। कोरोना से अब 20 महीने क्रिकेट बंद रहा था, और 20 महीने गलत ज्यादा बोल दिया है मैंने, मुझे लगता है तीन महीने से क्रिकेट बंद रहा था, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, उसके लिए माफ करिए। 3 महीने क्रिकेट बंद रहा है, और अब बहुत मुश्किल से क्रिकेट की वापसी हो रही है, तो इंग्लैंड से ही हो रही है, एक अच्छी बात है। पिछले साल इसी दौरान यहाँ पर वर्ल्ड कप चल रहा था, और अभी जब वर्ल्ड कप का एक साल पूरा होने जा रहा है, तो इंग्लैंड की टीम पहले वेस्टइंडीज के साथ सीरीज खेलेगी, उसके बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलेगी। तो एक अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। बहुत दिन से उबाऊ वही रिपीटेड प्रोग्राम्स देख के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो परेशान हो गए हैं, उनको कुछ लाइव देखने को मिलेगा। बेशक दर्शक स्टेडियम्स में नहीं जाएंगे, लेकिन टीवी पर आनंद जरूर लेंगे, एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। वेस्टइंडीज की टीम हालांकि इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प रहेगा। अब देखना यह होगा कि सीरीज से पहले, जब पाकिस्तान की टीम की इंग्लैंड से सीरीज शुरू होगी, उससे पहले कितने पाकिस्तान के खिलाड़ियों का टेस्ट निगेटिव आता है और कितने खिलाड़ी पहुंच पाते हैं। आपको बता दें कि अमूमन एक टूर पर 15-16 खिलाड़ी जाते हैं, जब कोई भी टीम किसी विदेशी दौरे पर जाती है, किसी दूसरे देश में दौरा करने जाती है। लेकिन कोरोना के चलते इस बार 29 खिलाड़ी स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से इंग्लैंड गए हैं, वेस्टइंडीज की टीम के भी 29 खिलाड़ी आए हैं, ताकि अगर किसी खिलाड़ी को कोरोना हो जाए, किसी खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो उसके जगह दूसरे खिलाड़ी को रिप्लेस किया जा सके और रिप्लेसमेंट मिल सके। तो बहुत सारी नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस दौरान। किस तरीके से प्लेयर्स सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, कितने लोगों को परमिशन दी जाएगी, कितने मीडिया कर्मियों को परमिशन दी जाएगी, कितना स्टाफ स्टेडियम में मौजूद रहेगा, और कितने क्रिकेटरों की फैमिली को परमिशन मिलेगी नहीं, तो आपको बताया था कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की फैमिली को परमिशन नहीं मिली है वहां पर रहने की। और तो बहुत ज्यादा चीजें नई नई देखने को मिलेंगी। सलाई वगैरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे गेंदबाज, और ना चाहे वो तेज गेंदबाज हों चाहे वो स्पिनर्स हों, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत क्रिकेट में बड़ा बदलाव आने वाला है,
अब देखेंगे कि हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, जो भी बदलाव क्रिकेट में आएगा, जैसी भी अपडेट हमें आपको मिलेंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो हमारे इस पेज के साथ बने रहिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। हमारा चैनल थोड़ा नया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और अगर आप सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।